भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या इस समय उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं। अयोध्या से लेकर लखनऊ तक कार्यकर्ताओं से मिलना, मीटिंग्स, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, लेकिन कहीं ना कहीं युवा मोर्चा भी हार्ड हिंदुत्व का कार्ड खेल रहा है। हमारे साथ खुद तेजस्वी सूर्या हैं, आपका स्वागत है यूपी तक में। ये बताइए कि युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के चुनावों को किस तरीके से देख रहा है और आपकी नज़रों में क्या लगता है, क्या होने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ये सिर्फ एक प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये इस चुनाव का जो इम्प्लीकेशन असर पूरे देश भर होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट है। युवाओं के आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस इलेक्शन में युवा मोर्चा के ताकत पर, युवाओं के मतदान के आधार पर पूर्ण बहुमत सरकार योगी जी के नेतृत्व में दूसरी बार उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला निश्चय है। और पिछले टर्म में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हर एक विचार पर, महिला सुरक्षा से लेकर तेज गति से इन्वेस्टमेंट तक, रोजगार से लेकर गुंडागर्दी माफिया राज खत्म करने तक, और समाज में एक सुरक्षा का माहौल उभरने तक सब काम योगी जी ने किया है। इसी काम के आधार पर, सबका साथ सबका विकास मंत्र के आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं, एंड वी विल विन दिस इलेक्शन विथ 100% सर्टेनिटी। एक चीज बताइए कि सारे जो बड़े नेता हैं, आपका नेतृत्व है, ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या वही चेहरा होंगे, क्या वही अगले मुख्यमंत्री होंगे आपको लगता है, क्योंकि यूथ की बात कर रहे हैं आपको शक क्यों है, डाउट क्यों है? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर हैविंग एनी डाउट अबाउट दिस एट ऑल। अगले मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ही होंगे और अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही पूर्ण बहुमत सरकार ही होने वाली है। आप अयोध्या में थे और अयोध्या में भी आपने तालिबान जैसी बातें की, आपने मियां भाई जैसी शब्दों का इस्तेमाल किया, तो क्या आपको लगता नहीं है कि चुनाव पूरी तरीके से पोलराइज हो रहा है और आप भी पोलराइज कर रहे हैं? देखिए सर, एक समाज में सुरक्षता का जो विचार है, राष्ट्रीय सुरक्षता हो, सामाजिक सुरक्षता हो, नेशनल सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी, दोनों समाज में एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे होते हैं चुनाव में। पिछले जो सरकार थे वो तुष्टीकरण राजनीति में डूबे हुए थे और वो सभी सरकार प्रदेश में गुंडागर्दी, माफिया राज और विशेष रूप में कट्टरपंथियों को इनकरेज करना का काम, ये सब चीज किए थे। दियोबंदी हो, तालिबानी मनस्थिति हो, इन सबको इनकरेजमेंट पिछले सरकार के समय में मिला था। दिस इज अ थ्रेट फॉर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, इसलिए ये पोलराइजेशन का बात नहीं है, ये सच को और इम्पॉर्टेंट इश्यूज को लोगों तक पहुंचाने का बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय जनता युवा मोर्चा पर है, बीजेपी पर है, और हम बिल्कुल इस कार्य को हम करेंगे। योगी आदित्यनाथ, लास्ट सवाल ये बताइए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक तरीके से यूथ को रिप्रेजेंट कर रही है, अखिलेश यादव युवा हैं, प्रियंका गांधी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी है, उम्र में भी, सोच में भी, विचार में भी और काम करने का तरीका में भी, आप क्या कैसे, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव जी हो, इन सब उम्र में भी और सोच में भी योगी जी से युवा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी एकमात्र ऐसे पार्टी है जो परिवारवाद से बाहर आकर आम युवाओं को राजनीतिक लीडरशिप देने वाला क्षमता दिख सकता है। सो वी आर द ओनली पार्टी विच एनकरेजेस यूथ लेड पॉलिटिकल लीडरशिप। बीजेपी इज अ पार्टी ऑफ यूथ एंड अ पार्टी फॉर यूथ। कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं? 325 आई थी पिछली बार, वो उससे ज्यादा 100% इस बार हमारा सीट हो। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे तेजस्वी सूर्या, जो कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही चेहरा भी होंगे और मुख्यमंत्री भी होंगे।